परेशान तो अभी भी था मैं। उसको देखे इतना टाइम जो हो गया था, मुझे किसी भी तरह उसे देखना था बस। क्या यार, मुझसे सबर क्यों नहीं हो रहा था? अभी तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। डैडा और साहिल के बाद कोई इतना ज्यादा नहीं यार, इतना जरूरी तो कोई हुआ ही नहीं। शायद ये बीते 9 दिन मुझे ये एहसास दिलाने के लिए थे कि स्निग्धा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और उसके साथ मेरी काफी इमोशनल सी अटैचमेंट भी हो गई है। पहले 6 दिन तो हमने खूब बात की एक दूसरे से, एक दूसरे को रात भर जगाए रखा हमने, पर स्कूल जैसे ही शुरू हुआ उसका ढंग से मुझसे बात करना ही कम कर दिया उसने। अब दिन भर स्कूल और शाम को होमवर्क, रात होते होते काफी थक जाती थी वो। मैं कोशिश तो करता था बात करने की उससे, पर ढंग से 11 बजते नहीं थे कि सो जाती थी वो। वाटर लॉगिंग वाला प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं था, कब तक वापस गेट खुलेगा ये भी मुझको क्लियर नहीं था। डैडा से पूछा था उस दिन तो कहा तो उन्हें 3 दिन था, पर आज 3रा दिन भी खत्म होने को आया है। प्रोग्रेस के नाम पे हुआ कुछ भी नहीं था। पर यार ये सब के बाद भी मेरी प्रॉब्लम इससे कहीं गुना बड़ी थी और किसी कुछ का सुध नहीं था मुझको। आखिर स्निग्धा की मुझे इतनी क्यों पड़ी थी? मिला तो साहिल से भी नहीं उतने दिन से, पर उसके लिए तो मैं इतना परेशान नहीं हुआ। ऊपर से वो इतने टाइम से घर भी नहीं आया मेरे। पर ये नहीं कि साहिल का क्या हुआ, सोच सोच के मेरे दिमाग का दही हो गया था बिल्कुल। कंफ्यूजन भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फालतू सोचने में इतना बिजी था मैं कि ध्यान ही नहीं दिया। बाहर से बहुत तेज आवाजें भी आ रही थी। डैडा क्या हो रहा है? बेटू वो रोड क्लियर कर रहे हैं, पानी भी कम हो गया है, अब तो बस गाड़ियां टो कर रहे हैं। काम चल रहा है, होपफुली कुछ घंटों में आने जाने लायक तो हो ही जाएगी सड़क। हाय सुकून, कुछ घंटों बाद ही काम भर का काम तो कर दिया था उन लोगों ने, अब कल से लोग जा सकते थे अपने अपने कामों पे और मैं स्कूल जा सकता था। पिछली बार की तरह लेट ना हो जाऊं इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया। स्निग्धा को गुड नाइट लिख के अपना इंटरनेट मैंने ऑफ कर दिया, पर फिर सुबह तैयार होते होते थोड़ा लेट तो हो ही गया मैं। रात भर फिर वही सोचता रह गया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? मैं क्लास में पहुंचा तो मैम ऑलरेडी आ चुकी थी। स्निग्धा से मैं मिल नहीं पाया क्योंकि टीचर पहले से ही पढ़ा रही थी। मैं बैठा अपनी सीट पे और क्लास खत्म होने का वेट करने लगा। हफ्तों बाद स्निग्धा का चेहरा देखने को मिलेगा यार, मैं यही सब में खो गया। फिर अचानक जोर से घंटी बजी और मैं होश में आया। पीरियड ओवर होता देख मैं थोड़ा मुस्कुराया। मैम ने अपनी बुक और बॉटल अभी उठाई भी नहीं थी कि बच्चे शोर मचाने लगे, अपने अपने बगल वाले दोस्तों से सारे ही बतियाने लगे। मैम जैसे ही क्लास से बाहर गई मैं उठा अपनी सीट से, शर्ट थोड़ी सही करी और बेल्ट थोड़ी सही करी। चल भाई स्निग्धा के पास चले। मैं जैसे स्निग्धा की तरफ बढ़ा मेरे कदम रुक गए। स्निग्धा की तरफ बढ़ते हुए किसी और के कदम मुझे पता नहीं मे बी इनसिक्योर से कर गए। पार्थ मिस्टर मल्टी टैलेंटेड, क्रिकेट में अच्छा, सिंगिंग में अच्छा, पढ़ाई में भी और तो और डांसिंग में भी अच्छा, और लड़कियां सेट करने में तो सबसे अच्छा, ऊपर से दिखने में भी हेलो बहुत अच्छा। पता है मिस्टर मल्टी टैलेंटेड नहीं, मिस्टर अच्छा होना चाहिए था नाम इसका, कुछ ज्यादा ही अच्छा यार ये बंदा। पार्थ और स्निग्धा ना जाने क्या बात कर रहे थे, शायद असाइनमेंट में हेल्प कर रहा होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत अच्छे से बात करता है यार, मैं खुद ही फैन हूं इसका, और ढंग से 2 मिनट भी बात कर लेना कोई इससे इंप्रेस हो जाता है यार वो। और लड़कियां वो तो इससे भी जल्दी। स्निग्धा कहीं इंप्रेस हो गई तो मैं क्या कर पाऊंगा, और अगर क्रश आ गया इस पे तो मैं तो स्निग्स को रोक भी नहीं पाऊंगा। क्या इसे स्निग्धा से बात करनी थी पूरे क्लास में, कोई और नहीं था क्या?
मैं नहीं था क्या? स्निग्धा को पार्थ के साथ इतना हंसते हुए देखना काफी पेनफुल था मेरे लिए। मैंने स्निग्धा के पास ना जाना ही बेहतर समझा फिर, और बैठ गया वापस सीट पे। इधर साहिल भी अपनी कारस्तानी में बिजी था, कंपस से हम दोनों का नाम लिख रहा था टेबल पे। और ये चल क्या रहा है यार, ये अनइजीनेस? मैं इतना क्यों डर रहा हूं दोनों को देख के? सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं ना दोनों, इतना क्या सोचना है इसमें? फिर रिसेस की घंटी बजी और सब जाने लगे नीचे। मैंने सोचा स्निग्धा के साथ आज लंच करूंगा और निकल गया उसके पीछे। पार्थ, कैसा है ब्रो? सब बढ़िया? मैं बढ़िया दर्श, तुम कैसे हो? मैंने कहा, अब तो बिल्कुल ठीक नहीं यार। क्या मतलब? पहले ठीक नहीं था पर अब अच्छा हूं मैं, स्निग्धा ने कहा। दर्श, हम दोनों कैंटीन जा रहे हैं, वाना जॉइन? ओ नो नो, यू टू कैरी ऑन, मैं वैसे भी ग्राउंड पे जा रहा था। ओके सी या। ये क्या ही था यार, ये सिर्फ असाइनमेंट वाली दोस्ती तो नहीं लगती। और जितना हंसती मुस्कुराती स्निग्धा पार्थ के साथ है, उतना तो किसी के साथ भी नहीं हंसती यार। अब धीरे धीरे स्निग्धा और पार्थ काफी फ्रीक्वेंटली मिलने लगे थे, जिसकी वजह से मैं और स्निग्धा एक दूसरे से काफी कटने से लगे थे। व्हाट्सएप पे भी स्निग्धा सिर्फ उसी की बातें करती थी, कितना स्वीट है पार्थ, काफी चार्मिंग भी, खास तारीफें किया करती थी। मैं कर भी क्या सकता था यार, ये सब झेलने के अलावा बोलने की हिम्मत हुई नहीं तो लग गया वही करने में। कुछ दिन तो मैंने काफी झेला, पर आज तो हद हो गई है यार। मिस्टर अच्छा स्निक्स के घर जाने वाला है, और स्निग्धा ने तो कुछ बताया भी नहीं मुझको, ये तो मुझे किसी और से पता चला है। वो इतना करीब हो गया है क्या स्निक्स के? उसे घर पे ही इनवाइट कर लिया, उसकी फैमिली भी अब जानी जाएगी पार्थ को, और मेरा तो लाइक पत्ता ही कट गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ करना होगा, इससे पहले मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं, मुझे स्निग्धा से जल्दी से जाके मिलना होगा। बट कैसे? आधे टाइम तो वो पार्थ के साथ ही रहती है, और बाकी आधे टाइम वो पार्थ में ही रहती है। अब ऐसे में मैं अपने लिए टाइम निकलवाऊं भी तो कैसे? खाली फोकट टेंशन का इलाज लाऊं भी तो कैसे? सुन, स्निग्धा के घर चलते हैं, अब यही एक ऑप्शन है, क्योंकि कुछ दिनों से तो मेरा डाडा के साथ आना जाना हो रहा है, तो स्निग्धा के साथ घर भी जाना मुश्किल हो रखा है। मैंने जल्दी से घर वापस जाके स्कूल ड्रेस अपनी चेंज की, स्कूटी का टायर फिसल जाएगा तो बाइक कहीं से अरेंज की। कुमंदर्श जल्दी कर, पार्क के वहां पहुंचने से पहले तुझे वहां पहुंचना है, और फिर स्निग्धा से सब क्लियर करके, सब सॉर्ट आउट करके, उसके आने के पहले तुझे वहां से भी तो निकलना है, हरी अब यार। मैं पहुंचा स्निगो के घर पे और डोरबेल मैंने बजाई। आ रही हूं करके एक आवाज अंदर से आई। हाय, क्यों पार्थ? अब जी मैं दर्श, स्निग्धा का क्लासमेट। ओ हाय दर्श, सॉरी बट स्निग्धा तो अभी घर पे नहीं है, उसने कहा था कोई पार्थ आने वाला है तो उसके लिए शायद कुछ स्नैक्स लेने गई है। सुनो ना, तुम वेट कर लो, आई थिंक रास्ते में ही होगी, फंस आ ही रही होगी। अब नहीं, रहने दीजिए, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। यू श्योर ना? यू ain't gonna wait? या I'm sure, but thank you so much. Oh, okay, no problem, दर्श. And yeah, me श्रद्धा. Oh, okay श्रद्धा, bye, take care. श्रद्धा के मुंह से पार्थ का नाम सुन के मेरा मन काफी भारी सा हो गया, और स्निक्स भी उसके लिए स्नैक्स लेने गई है, ये सुन के तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया। बहुत सही गौडा, यही रह गया था ना देखने को अब। यू नो व्हाट, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी कि कुछ बचा ही नहीं है और देखने के लिए अब। इससे बुरा अब क्या ही हो सकता है ना? जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अब उसके लिए मैं नहीं, कोई और इम्पोर्टेंट है। वाह क्या बात है। फिर मैंने सोचा खुद को थोड़ा चेयर अप करने के लिए कुछ खा लेता हूँ। अब स्निग्धा के लाए हुए स्नैक्स तो है नहीं नसीब में मेरे, फिर भी कुछ खुद से ही खरीद के खा लेता हूँ। मैं चलते चलते एक फास्ट फूड कॉर्नर पे पहुंचा, वहां से मैंने मोमोज लिए और सामने वाले पार्क में चला गया खाने।
मैं जैसे ही थोड़ा अंदर पहुंचा, स्निग्धा और पार्थ खड़े थे मेरे सामने। दोनों एक दूसरे में इतना बिजी थे कि मैं तो उन्हें दिखा ही नहीं। सुबह से सब कुछ सिर्फ उलझ ही रहा था और चीजें उलझने का सिलसिला उस दिन रुका ही नहीं। दोनों को इतना करीब देख के मैं खुद से ही दूर हो गया। आंखों का जो हुआ करता था कभी, अब नूर जो था वो आंखों से हो गया। मैं गलत था यार, उससे भी बुरा हो सकता था, इनफैक्ट और बुरा हो गया है। थोड़ी देर पहले शायद नहीं, पर अब काफी कुछ देखना रह गया है। मोमोज की चटनी तीखी तो थी, लेकिन उसे खा के आंखों में आंसू ही नहीं आए। गौड़ा ने बोला, रुको बेटू अभी रुलाता हूं। और स्नेक्स को ऐसे पार्थ के साथ देख के मेरे आंसू रुक ही नहीं पाए। हम इंसानों का दिल भी कितना बुद्धू होता है ना, कभी भी कहीं भी अपने आप लग जाता है। फिर उसी इंसान का दिल कहीं और लगा देख के बेचारा कहीं और लग ही नहीं पाता है, बस कोशिश करता रहता है उस दिल में अपनी जगह बनाने की। फिर उसी जगह को किसी और का होता देख के आखिरकार टूट ही जाता है। फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो खुद को संभालने की। ऐसा ही कुछ मेरे दिल का हाल था उस वक्त, ना संभाले बने ना कहीं और लगाए बने। स्निग्ध और पार्थ का दिल तो शायद लग गया एक दूसरे में, तभी तो वो दोनों ऐसे खुद में ही गुम है। मेरी नजर लग जाएगी उनके ऐसे तो, देखो ना साथ में यार वो कितने खुश हैं। और जब दोनों खुश हैं साथ में इतने, तो मुझे उनके बीच में नहीं आना चाहिए। स्निग्ध और दर्श कुड हैव बीन समथिंग, पर अब मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। ये बेसब्री तुम्हारी वजह से, ये हड़बड़ी तुम्हारी वजह से, पागलपन जुनून सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ही तो मेरी ये हालत हो रखी है। बेचैनी हर वक्त होती है सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यू नो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। कई बार ये नजदीकियां नापते नापते दूरियां बढ़ जाती हैं, और किसी से ज्यादा उम्मीदें रखना, उम्मीद और दिल दोनों तोड़ जाती हैं।